हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में बहुत ही रहस्यमय टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आपको पता है कि वो क्या है तो मुझे कमेंट कर देना। चलो गाइस, मैं ही बता देता हूँ क्या है, आपको इंतज़ार नहीं करवाऊँगा। आज हम बात करेंगे स्पेस के बारे में। आपको सुनकर ऐसा लगा कि अरे यार, ये क्या है, ये तो स्पेस है, हम तो इसके बारे में जानते हैं, इसमें नया क्या है। लेकिन वो नहीं है, स्पेस बहुत ही बड़ी जगह है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है, इसे इन्फिनिट भी कह सकते हैं। हम जो इंसान स्पेस के बारे में जानते हैं वो तो सिर्फ बेसिक हैं, पूरी बात तो कोई नहीं जानता। इसलिए मैंने इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके इस वीडियो को बनाया है। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना और कमेंट में लिखना कि आपको इससे कितनी मदद मिली और यूज़ हुई, क्योंकि इतने बड़े स्पेस के बारे में एक वीडियो बनाना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन मुश्किल बात भी नहीं है, इसलिए प्लीज़ पूरा देखना। हाँ तो गाइस, पहले हम जानेंगे स्पेस क्या है। स्पेस एक ऐसी जगह है जिधर हवा और पानी दोनों नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसको इन्फिनिट भी कह सकते हैं। स्पेस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ है मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं, ब्लैक होल, वाइट होल, वर्म होल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे मैं बता भी नहीं सकता। अगर बताता गया तो उनके नाम ख़त्म ही नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा और अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल एक रीजन है स्पेस टाइम का जिसके अंदर ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली है कि पार्टिकल यानी कि क्या कहते हैं कण भी उसमें से गुजर नहीं सकती है। ये ब्लैक होल तो लाइट को भी नहीं छोड़ती, और तो और ये ब्लैक होल स्पेस टाइम को भी वैप कर लेती है। देखिए कैसे वैप कर रही है, स्क्रीन पर देखिए। देखा गाइस, अगर एक अकेला ब्लैक होल इतना शक्तिशाली है तो सोच लो कि एक से ज़्यादा ब्लैक होल अगर आ जाए तो क्या क्या उधम मचा सकती है। लेकिन ऐसे होगा नहीं। आपको मैं इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली ब्लैक होल दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अद्भुत दृश्य दिखाना चाहता हूँ। स्क्रीन पर ज़रा नज़र तो डालिएगा कि वो अद्भुत दृश्य क्या है। आप लोग दो ब्लैक होल एक साथ मर्ज होते हुए देख रहे हो। मर्ज होने के बाद वो एक नया ब्लैक होल फॉर्म कर रही है। अब अगर आपको सिर्फ ब्लैक होल के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं सिर्फ ब्लैक होल के बारे में ही कुछ ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। गाइस, जैसा कि मैंने कहा था, आप चलते हैं इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ब्लैक होल से मिलने, और वो है सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये मेसियर 87 के बीच में है। ये इतना बड़ा है कि हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे 55 मिलियन लाइट ईयर दूर से देख लिया था, और तो और इसका मास भी 6/12 मिलियन सन्स के बराबर है। ये ब्लैक होल तो पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली ब्लैक होल है। और एक ख़तरनाक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई ब्लैक होल जिसका मास 100 मिलियन से नीचे होगा तो वो हमारे अगर वो सोलर सिस्टम में आ गया तो हमारे पूरे प्लैनेट को चीर डालेगा और हम भी सब मर जाएंगे सिर्फ एक ही झलक में। गाइस, क्या आपने सोचा है कि ब्लैक होल के उस पार क्या हो सकता है, एनी गेसेस? आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको क्या लगता है। कुछ मिथ्स है कि ब्लैक होल के उस पार दूसरी दुनिया है, इसका मतलब ये एक ब्लैक होल हमें दूसरी दुनिया में जाने के लिए एक दरवाज़ा हो सकता है। ऐसे मिथ्स हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर साइंटिफिकली देखो तो स्पेस साइंटिस्ट ने ये कहा है कि ब्लैक होल के उस पार एक वाइट होल है। इस वाइट होल के बारे में मैं आपको मेरे अगले वीडियो में बताऊंगा, उसे भी आप लोग देख लेना। ब्लैक होल के पास टाइम बहुत ही धीरे चलता है जो बाहर से देख रहे होते उनके लिए, लेकिन जब हम अंदर जाते हैं तो टाइम स्टॉप हो जाता है। उस ब्लैक होल के अंदर टाइम ही नहीं चलता, एकदम स्टॉप हो जाता है। पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई भी फोर्स नहीं जो इससे रोक सकता है।
आपको और एक बात बताता हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ब्लैक होल भी मरते हैं। आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक ब्लैक होल सिर्फ 10^11 kg का 3 बिलियन ईयर्स के अंदर अंदर एवापोरेट हो जाता है। इसका मतलब वो मर जाता है। लेकिन आप लोग एक बार हॉकिंग एरिया थियोरम के तरफ तो नज़र डालिए। वो क्या कहता है? ये थ्योरी ये कहती हैं कि ब्लैक होल की सरफेस एरिया टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होती और वो मरती नहीं। इस थियोरी को स्टीफन हॉकिंग ने 1971 में कहा था और वो सही भी साबित हुआ। हाल ही में एक ऑब्जर्वेशन डेटा में साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि ये थियोरी बिल्कुल सही है। गाइस, मुझे आपको एक पीस ऑफ एडवाइस देनी है। वो ये है कि मैं आपको इंटरस्टेलर मूवी देखने की सजेशन दूँ, क्योंकि वो स्पेस पर आधारित है और उसमें ब्लैक होल के बारे में सब कुछ है और दूसरी दुनिया, प्लैनेट्स जिसमें हम रह सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन है, पानी है, उन सब के बारे में है। इसलिए आप ज़रूर उस वीडियो को, उस फिल्म को देखना। हाँ चलो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ सवाल पूछना है ब्लैक होल के बारे में तो मुझे कमेंट कर दे। अगले वीडियो में मैं आपको और ज़्यादा जानकारी दूंगा। और एक सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत जो की है इस वीडियो को बनाने के लिए। आप ही को यूज़फुल होगा ये वीडियो, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।